आप लोग आज तक सुनते आए होंगे कि एक्सपायरी के दिन बड़ा प्रॉफिट करेंगे, जीरो टू हीरो करेंगे, जैकपॉट करेंगे, लेकिन आप लोगों ने जब भी किया होगा एक्सपायरी के दिन कोई ट्रेड लिया होगा तो वो ज्यादातर जीरो हो जाता है क्योंकि टाइम वैल्यू जीरो हो जाता है। तो आइए आज इस लाइव मार्केट के क्लास में मोबाइल के फॉर्मेट में समझेंगे कि कैसे हम लोगों को एक्सपायरी के दिन लाइव मार्केट में कौन कौन से डेटा को देखकर जीरो टू हीरो ट्रेड का सेटअप किया जाता है, और ये जो जीरो टू हीरो है ना वो किस पर डिपेंड है, मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से इस वीडियो में समझाऊंगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे साथ प्रो लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं लाइव टाइम के लिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको सेमको का लिंक मिल जाएगा, आप फ्री में लिंक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग अपने डीमेट अकाउंट में लॉग इन है, मोबाइल फॉर्मेट में बनेगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बस ध्यान से देखना है, निफ्टी चल रहा है, बैक निफ्टी चल रहा है, दोनों लाइव। निफ्टी चल रहा है 24,950-55 और बैक निफ्टी है 51,885-900 के रेंज में। ओके, अभी देखो हमें आज वेडनेसडे है तो बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, लेकिन आने वाले टाइम में वीकली एक्सपायरी खत्म होने वाला है बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी। इसके बारे में अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है तो मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल्स में वीडियो बनाया है, आप हमारे वीडियोज के लिस्ट में जाके स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम बैंक निफ्टी पर क्लिक करेंगे बिकॉज आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है वीकली। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने पहले से दो जो है लाइन लगा के रखा है, ये और ये, तो ये सिंपल वे में आपको पता क्या है, रेजिस्टेंस वाला है और ये जो है हमारा वो है सपोर्ट वाला। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने कैसे बनाया, अभी सिंपल वे में मैं आपको समझाता हूं। देखो आज जब मार्केट सुबह में ओपन हुआ, 15 मिनट टाइम फ्रेम में अभी बैठे हुए हैं, ध्यान से समझिएगा, तो हम लोगों को सुबह में ये क्या हुआ, इसको हम लोग कहेंगे स्विंग लो, आज का स्विंग लो। ठीक है, और ये जो हमारा है ये है हमारा आज का स्विंग हाई। ठीक है, तो ये हमारा इंट्राडे ट्रेडर के लिए क्या हो गया, आज का स्विंग हाई मतलब आज का रेजिस्टेंस, आज का स्विंग लो मतलब आज का सपोर्ट, बिल्कुल सिंपल। अब देखो ये सपोर्ट यहीं पर क्यों बना, क्यों स्विंग लो लिया, तो आप अगर इसको थोड़ा सा मोबाइल फॉर्मेट है तो स्क्रीन छोटी है, मैं इसको 30 मिनट के कैंडल पे ले जाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखेगा। अब देखो ये मेरा आज का लो है, ये देखो कल का लो है। अब अगर और थोड़ा सा पीछे जाओगे ना तो आपको दिखेगा कि इसी के आसपास रेजिस्टेंस बनाया था, और अगर आप देखोगे तो इसी पे आपको देखोगे तो एक और स्विंग हाई बनाया था, और अगर और पीछे आप जाओगे ना तो आपको ये जो रेंज है देखोगे तो इसी के आसपास यहाँ पे सपोर्ट भी बनाया, तो ये मार्केट का एक लेवल हुआ। और ये जो लेवल है ना ये हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि मार्केट जो है ना वो रिस्पेक्ट करती है हर एक लेवल को। अब हमारा ये ऊपर का कल का भी लो, आज का भी हाई, सॉरी कल का भी हाई और आज का भी है, आज का भी लो कल का भी लो। अब हमारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि नीचे में 51,700 हमारा क्या है, अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, अब एक्सपायरी चल रहा है, 12:30 बजा है, अभी भी 3 घंटे का मार्केट टाइम बचा हुआ है, और एक्सपायरी का जो जीरो हीरो सेटअप होता है वो 12:30 के बाद ही स्टार्ट होता है। ठीक है, अब ये देखो ऊपर में जो है वो है हमारा 52,031, मतलब कि हमारा 52,065 के ऊपर अगर निकलता है तो यहां से एक हमारी मूवमेंट आ सकती है। तो ये हमारा चार्ट के ऊपर क्या हो गया, ऊपर और लेवल का नीचे का एक रेंज बन गया। ट्रेड कहां कर रही है, बिल्कुल बीच में, मतलब कि एज ए ऑप्शन बायर, एज ए ऑप्शन बायर हमें अभी कोई ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करना है क्योंकि ये रेंज जो है ना ये काफी कंसोलिडेटेड जोन में है, यहाँ पे कॉल सेलर और पुट सेलर दोनों के बीच की ही लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो 15 मिनट पे मैं फिर से आ चुका हूं। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर चलना है, सिंपल वे में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे ना तो आपका जो इस चार्ट के ऊपर का जो लेवल है ना इसको मैच करेगा। ठीक है, कैसे, 52,000 के आसपास, 52,025-30 के आसपास क्या है, रेजिस्टेंस है कल का भी आज का भी, स्विंग हाई कल का भी आज का भी। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे ये कॉल साइड है और ये पुट साइड, और मैंने आप लोगों को ऑप्शन चेन के बारे में बिल्कुल सरल तरीके से बताया है कि कॉल के साइड में हम रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, पुट के साइड में सपोर्ट ढूंढते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे ऑप्शन चेन स्पेशल प्ले लिस्ट को विजिट करके पूरी नॉलेज ले सकते हैं ऑप्शन चेन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें देखो 52,031 का रेजिस्टेंस है कल का भी आज का भी,
और हमारा ये जो 52,000 का कॉल के तरफ हमको रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो 52,000 पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा ओपन इंटरेस्ट है टोटल, तो आप यहाँ पे देखते हो तो 51,900 पे कितना है, 182,000 क्वांटिटी में, और 52,200 पे 52,000 पे देखोगे तो 164,900। मतलब क्या आप समझ सकते हो कि 900 और 52,000 इस दोनों के स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटिंग दबा के हो रहा है। मतलब सिंपल है कि जो राइटर हैं कॉल राइटर, वो राइटर्स इससे ऊपर मार्केट को जाने देने के लिए सोच ही नहीं रहे, तभी तो ये कॉल राइटिंग दबा के हो रही है। अगर वही पुट राइटिंग की हम बात करेंगे तो आप देखोगे तो पुट राइटिंग 51,800 के ऊपर 1,89,00,000 के आसपास है, 900 के ऊपर देखोगे तो 1,03,00,000 के आसपास है, लेकिन 52,000 पे अभी बहुत ही कम, 37,00,000 है, एक्सपायरी के दिन के हिसाब से बहुत कम है। तो यहां पर हमें एक इंडिकेशन मिल रहा है कि नीचे 51,800 जो है ना, अभी हमारा तुरंत का पुट राइटर के द्वारा सपोर्ट मिलेगा, और 51,900 और 52,000 ये काफी ज्यादा कंसोलिडेटेड एरिया है, बिकॉज कॉल राइटर यहाँ पे दबा के बैठे हुए हैं। अब हम यहाँ पे अगर चार्ट पर आएंगे तो हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल धैर्य से काम लेना है जब तक कि इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट हमें ना मिले, ठीक है। 52,031-52,050 के ऊपर ब्रेकआउट का मतलब एक बार याद रखो, जैसे यहां से चलते 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 आया, कोई कैंडल पार कर गया, लेकिन पार कर गया का मतलब ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये ब्रेकआउट नहीं। अगर ये ऊपर जैसे मान लो कि यहां पे आके क्लोज दे दिया, ठीक है, अब मान लो इसका जो अगला कैंडल होगा, जो कैंडल ब्रेकआउट दिया, उसका नेक्स्ट कैंडल जो ब्रेकआउट वाला कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर क्लोज देना चाहिए, ठीक है। देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, जैसे ये क्लोज दिया, अब अगला जो कैंडल है ना ये उसके ऊपर क्लोज देगा तभी ब्रेकआउट सस्टेन हुआ, तभी ब्रेकआउट इसको मानेंगे, अदरवाइज इसको ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं करना है कि ये जो कैंडल ब्रेकआउट दिया इसी में एंट्री बना ली है, नहीं, ये हो गया हमारा गैम्बलिंग। रियल स्ट्रेटजी, रियल ट्रेडिंग क्या होगा कि जो कैंडल हमारा ब्रेकआउट दिया उस कैंडल को क्लोजिंग होने का वेट करेंगे, अगर ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज दे दिया तो नेक्स्ट कैंडल को हम देखेंगे, नेक्स्ट कैंडल 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे रखना है, ब्रेकआउट वाला कैंडल के ऊपर क्लोज दे दिया तो हमारा ब्रेकआउट मानेंगे, अब वहां से हम एंट्री लेंगे, और स्टॉप लॉस कौन सा लगाएंगे, जो कैंडल हमारा ब्रेकआउट दिया था उसके लो के नीचे, चाहे वो बड़ा है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा रखना ही पड़ेगा, लॉजिक यही कहता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक तो पहला सिग्नल क्या है हमारा, एक तो हमारा कल का स्विंग है और आज का स्विंग है, ये दोनों को आज अगर ऊपर ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमें एक सेंटीमेंट मिलेगा। सेंटीमेंट क्या, जितने सारे सेलर बैठे हुए हैं उनके दिमाग में एक डर आएगा, डर क्या कि अरे भाई कल का स्विंग हाई और आज का भी स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे अब नई फ्रेश बाइंग आएगी। यहाँ पे देखो कैसे साइकोलॉजी काम करता है, जो सेलर पहले से बैठे हैं उनको डर लगेगा, वो अपने पोजिशंस को क्लोज करेंगे। मतलब अभी आपको दिखाता हूं फिर से, ऑप्शन चेन पे चल के ऑप्शन चेन पे देखोगे तो 51,900 और 52,000 पे इतने सारे जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, मतलब क्या है कि इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट अभी खुला हुआ है, ओपन है इतना सारा कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सारा कॉन्ट्रैक्ट जब ओपन है और जैसे ही 52,000 के ऊपर सस्टेन हो गया, तो जो बायर्स बैठा हुआ है इंतजार में कि मुझे खरीदना है, तो उसको ब्रेकआउट मिलेगा तो उसके माइंड में पॉजिटिव आएगा, वो खरीदने आएगा, ठीक है। जैसे हम लोग आप लोग बैठे हैं तो खरीदेंगे कि चलो यहां से कॉल लेते हैं, चाहे यहां से फ्यूचर में बाय करते हैं, और जो पहले से बैठा हुआ है सेल करके शॉर्ट करके, जैसे कि ये यहां पे कॉन्ट्रैक्ट आप देख सकते हो ऑप्शन चेन में इतना सारा जो है, इसको डर आ जाएगा कि भाई अब यहां से फ्रेश बाइंग आएगी तो हमारा प्राइस यहां से मूवमेंट बड़ा स्पीड में बढ़ेगा तो उनको ज्यादा लॉस होगा, तो वो क्या करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट जो ओपन है इस कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करेंगे। क्लोज करेंगे तो मतलब शॉर्ट है तो कवर करेंगे, और जब शॉर्ट कवरिंग आती है तो वहां पे हमें मार्केट को एक पुशअप मिलता है, एक बूस्ट मिलता है। तो यहां पर हमारा जैकपॉट का सबसे आसान सेटअप कब बनेगा, आप लोग कमेंट करिए, 10 सेकंड का टाइम देता हूं कि मेरा सबसे आसान, चाहे कोई भी इंडेक्स हो, चार्ट अगर ये है इस तरह का, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो यहां से हमें सेंटीमेंट चेंज होता हुआ दिखेगा,
ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखेगा, फ्रेश बाइंग आती हुई दिखेगी और यहाँ पे हमें शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलेगा। और ये सारा संकेत क्या है कि मार्केट में यहां से मिनिमम बैंक निफ्टी 150 पॉइंट अपसाइड मूवमेंट करेगा। 150 पॉइंट बैंक निफ्टी का मतलब है कि अगर हमारे पास एट द मनी भी अगर कॉल है तो हमें कम से कम 60 रुपए का, यहाँ पे 60 से 70 रुपए का प्रॉफिट हमें पर लॉट देखने को मिल सकता है। तो हमें बस इंतजार करना है कि इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दे या इसके नीचे। अब इसके नीचे का भी कुछ लॉजिक मैं आपको समझा देता हूं। एक तो आज का स्विंग लो है तो यहाँ पे सेंटिमेंट, जैसे ही आज के स्विंग लो ब्रेक हुआ सेंटिमेंट हो जाएगा नेगेटिव, पहले से बायर जो बैठा हुआ है वो लॉन्ग को लॉन्ग अनवाइंड करेगा और जो सेलर पहले से बैठा हुआ नहीं है वो शॉर्ट सेल करेगा, मतलब सेल करेगा, फ्रेश सेल करेगा। तो यहाँ पे नीचे जाने का डर हो जाएगा, सेम टू सेम अपोजिट जैसे ऊपर होता है। अब इसको अगर देखोगे तो इस रेंज में काफी मार्केट चला है, यहाँ भी यहाँ भी। तो ये क्या है कि साइकोलॉजी लेवल है इंट्राडे के लिए, और इंट्राडे में अगर इसके नीचे आता है तो फिर पुट के साइड में बड़ी मूवमेंट आ सकती है। लेकिन अगर जीरो टू हीरो हमें बनाना है तो हमें बनेगा हमेशा कॉल के साइड में, और कॉल के साइड में इसलिए क्योंकि वहां पे शॉर्ट कवरिंग आती है, हमेशा शॉर्ट कवरिंग का प्लस पॉइंट बायर्स को मिलता है और ये हमेशा होता रहता है। बस हमें कैप्चर करने का सही जगह सही वक्त हमको रखना है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा। आप किसी भी इंडेक्स के एक्सपायरी में आप ये स्ट्रेटजी को ही फॉलो कर सकते हैं, चार्ट के ऊपर का लेवल, साइकोलॉजी लेवल क्या है और ऑप्शन चेन में कहां पे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है सेलर्स के द्वारा। देखो बायर्स अनवाइंडिंग करेगा तो बायर के पास क्वांटिटी कम होती है लेकिन सेलर के पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, और जब सेलर शॉर्ट कवरिंग करेगा ना तभी प्रीमियम हमें गेन बहुत ज्यादा मिलता है, तभी हमें बेगा और डेल्टा हमें स्पीड में मिलती है। ओके तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना कोई डाउट है तो कॉमेंट कर दीजिएगा बिल्कुल फ्री माइंड में।